सुबह के 10 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की बड़ी खबर यही है कि तीन क्रिकेटर स्पॉट फिक्सिंग के मामले में शामिल पाए गए हैं और उन तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। क्रिकेटर एस श्रीशांत को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्रीशांत के साथ राजस्थान रॉयल्स के दो और खिलाड़ी अंकित चौहान और अजित चंदेलिया को भी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की एक टीम ने मुंबई के होटल ट्राइडेंट से इन लोगों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों ही खिलाड़ियों की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एस श्रीशांत, अंकित चम्हाण और अजित चंदेलिया, यही वो तीन खिलाड़ी हैं जिनकी गिरफ्तारी मुंबई के एक होटल से की गई है। इन तीनों के ही साथ तीन सट्टेबाजों को भी दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। आज ट्रांजिट रिमांड में लेकर इन्हें दिल्ली लाने की कोशिश की जाएगी। बताया जा रहा है कि मोहाली और कहा यह जा रहा है कि दरअसल राजस्थान की टीम का मुंबई के साथ जो मुकाबला होना था उसमें मैच में स्पॉट फिक्सिंग की जाने वाली थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले साउथ दिल्ली के एक सट्टेबाज को पकड़ा गया था जिससे पूछताछ में श्रीशांत का नाम सामने आया था। उसके बाद से ही लगातार श्रीशांत के ऊपर क्राइम ब्रांच की टीम अपनी निगाहें बनाए हुए थी। बकायदा उनका फोन भी टैप किया गया और अब ये बात लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है कि ये तीनों ही खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग के मामले में शामिल रहे हैं क्योंकि तीन सट्टेबाजों को भी इनके साथ गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस ने। इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है और इन्हें फिलहाल मुंबई में कोर्ट में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दिल्ली लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बेहद हैरान करने वाला और शर्मसार करने वाला ये मामला क्योंकि क्रिकेट पर कलंक लगाने वाला ये पूरा का पूरा मामला होगा अगर इन तीनों ही खिलाड़ियों के ऊपर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप साबित हो जाते हैं तो।